बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। जी, तमाम देखने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ़ से जुम्मा मुबारक हो। आज जुम्मे का दिन है तो बहुत ही मुबारक दिन है। इसी के साथ व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं। जुम्मे की तैयारी मैंने कर ली है, तो सबसे पहले तो हमाम पे गया हूँ, वहाँ कटिंग शटिंग करवाई है। तो कलर यहाँ से मिला नहीं गाँव से, तो शहर जाना पड़ेगा, तो वहाँ से जाके कलर लेंगे। बस ऐसे यानी कि उस वक्त बहुत सारी टेंशनें थीं, तो इस वजह से वो सारे बाल जो है ना 3-4 साल में ही सफ़ेद हो गए। तो चलें जी, ब्लॉग का आगाज़ करें। इस वक्त जो है ना बहन भाइयों से शेयर करें कि बेगम साहिबा अदन की यूनिफॉर्म सिलाई कर रही है। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, आज जुम्मे का दिन था, हाफ छुट्टी थी। तो चलें जी, हाफ डे था, तो आज ब्लॉग बनाएंगे और दिखाते हैं कि अदन की यूनिफॉर्म मेरा कैसे सिलाई कर रही है। अदन का यूनिफॉर्म सिलाई करने लगे, अदन हर रोज़ाना आके कहती है मेरा न्यू यूनिफॉर्म। तो मैं बच्चों के चक जी यूनिफॉर्म देखिया, क्या ही कहने, किट किट उच्चे तो इन्नी इन्नी बच्चे मैल बच्चे इस तरह पा के जाते हैं। अदन रोज़ मेरा यूनिफॉर्म, मेरा यूनिफॉर्म, एक मुझे वाइट बना दे, एक मुझे ब्लू बना दे, एक मुझे इस तरह की बना दे, इतने यूनिफॉर्म क्या करने। तो जो अदन पहले पहनती है ना, वो इस्त्री 2-3 जगह लगा दी है इस वजह से। अच्छा, कोई बात नहीं, वो भी यूनिफॉर्म। मई में कमीज सिलाई कर रही है ना, कमीज ते ना फ्रॉक, ये पता नहीं की सिलाई कर दी है। कमीजा तो फाड़ती बहुत आ, काफी भैणा कहंदियां कहंदियां बहुत फ्राकां सिलाई कर लिया, तुसीं इस तरह करो कि दुनिया ना कमीजा करो। अदन दी कमीजा इत्थों वखियां तो पड़ पड़ के आई जांदियां, मैं नहीं अदन कमीज कोई भी सिलाई करती। अच्छा, कोई बात नहीं, छोटी है अभी, अभी मेरी बेटी छोटी है, ऐसे ना ऐसे डांटे। अच्छा, कोई चीज नहीं, मैं डांट नहीं रही, मैं ये कह रही हूँ कि भाई ये कपड़े कमीजे यहाँ से फाड़ लेती हैं, इसलिए इसके फ्रॉक के बनाती हैं। अच्छा जी, बच्चे स्कूल से आ गए, उनकी छोटी छोटी एक पर मैचिंग जो है ना, आज भी जो है ना वो लगे हुए हैं। जुम्मे का दिन है, हमें थोड़ी जल्दी है, तो कलर वाले भाई कह रहे थे कि आप टेंशन करें, हम फटाफट काम मुका देंगे, क्योंकि हम जुम्मे दिन छुट्टी नहीं करेंगे। मेरा ख्याल आधा दिन लगाएंगे। चले, आधा दिन भी लगा, फिर भी काम तो हो रहा है। हाँ जी, अगर जुम्मे के टाइम छुट्टी कर लेंगे, जुम्मा वगैरह पढ़ेंगे, नमाज वगैरह पढ़ेंगे शाम को, फिर और क्या करना, यही काम। मामा जी, आज मेरा मीठा खाने का दिल कर रहा है, जलेबियाँ या फिर शक्कर पारे। शक्कर पारे भी नहीं, इधर खाने वाले हो, जलेबियाँ भी वो पता नहीं क्या। हाँ जी, जलेबी मिलती है, जलेबी मैं जो है वो लेके आता हूँ बच्चों के लिए। आप आधा किलो खाएंगी या किलो खाएंगी? 2 किलो। मैं खाती रह, जान भी बड़े शौक से जलेबी खाता है। मजेदार था वो, तो चौथा भी से मीठे ना जाओ। अच्छा चले जी, मैं इसको साथ लेके जाऊंगा, ये मीठे का बहुत ज्यादा शकीन है, ये एक बार खा के जो है ना देखेगा, अगर बाल खा के इसकी समझ में आया तो फिर किलो ले लेंगे, अगर ना समझ आया तो फिर आधा किलो या एक पाव ले लेंगे। बाबा जी, ये तो रेलने में हम ब्लैक नहीं है जी, उतने हम ब्लैक आ रहे हैं कैमरे में। अच्छा चले, कोई बात नहीं, कैमरे की मर्जी। अच्छा, तो ये मैं बंदा साथ लेके जाऊंगा टेस्ट के लिए। ये रास्ते में सारी ना खत्म कर ले शॉपर वाले, वही एक बार चेक कराऊंगा, ठीक है ना? तो अगर इसने पास कर दी तो फिर ठीक है, हां खुश हो रहा है। अच्छा, तो बाकी दिखाते हैं अपने देखने वाले बहन भाई को। चाचू जी ने, मैं आपको बताऊं, एक ने भाई ने कमेंट्स किया कि अगर चाचू जी के घर का काम जल्दी से फाइनल होगा, मुकम्मल होगा, तो फिर आप क्या करेंगे ना, आपको फिर हम कहीं और चले जाएंगे। फिर हम कहीं और चले जाएंगे, ये घर तो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, उसने कहा कि फिर आप क्या करेंगे, तो मेरा दिल कर रहा है कि उस भाई को कमेंट्स करूँ कि देखें, हम एक तो यूट्यूब पे काम करते हैं, एक हमने जो है ना वो स्टार्ट किया हुआ है अपना जिम्मेदारा, और दूसरा हमारा घर बनाने वाला जो है ना स्कूल जाते हैं, तीसरा ये कि हम जो है ना वो आड़त का काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं ना आड़त की शॉप, यानी कि मसलन मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मैं कारोबार आड़त का करूँ ना, तो दूसरे ये टूट जाएगा,
ना ना ए ए 6000 का बनाया ए टफ है प्लास्टिक का बिल्कुल। अच्छा तो अर्द के काम में मूंगी ले ली, मसल ले लिए, बाजरा ले लिया और कपास खरीद ली और चने खरीद लिए और गेहूँ खरीद लिए और जितनी भी फसलें हैं ना गंदम खरीद ली, वो 2-3 माह रखो उसके बाद रेट्स अप हो जाते हैं तो उसके बाद आसानी प्रॉफिट भी ठीक होता है, उस पर ख़र्चा भी कुछ नहीं आता, तो बस उसे स्टोर करना है। स्टोर करके तो यानी कि मुनाफा पक्ष कारोबार है, 2-3 माह स्टोर करो उसके बाद रेट्स अप हो जाते हैं तो फिर इंसान बेच के अपना अच्छी खासी जो है ना इनकम जो इंसान कमा लेता है। तो ये मेरा प्लान है। अगर करियाने की दुकान करें या कपड़े की दुकान करें या शूज़ की दुकान करेंगे या कुछ भी जो भी यानी कि रिलेटेड होगा वहाँ से, तो वो शॉप्स बनाएंगे, दुकान बनाएंगे तो फिर ना उसमें उधार हो जाए। मार दरवाज़ा लगा के। अच्छा मार बेटा दरवाज़ा लगा के। अच्छा उसमें उधार हो जाता है। जब उधार हो जाता है तो फिर इंसान का जो पैसा इन्वेस्टमेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो कारोबार डाउन हो जाता है। इस वजह से मैंने करियाने की शॉप भी चला के देखी है तो वो भी कोई इतना ना हुआ, पर सिर्फ करियाने में अगर किसी की होलसेल की दुकान है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो चले जी बहुत सारी बातें होगी, बच्ची को ला के देते हैं जलेबियाँ और मिठाई, इनका खाने को बहुत ज़्यादा दिल करता है, सबसे पहले तो खाना खाएंगे। खाना खाना है बच्चों? अगर खाना नहीं खाना तो बताएं, जलेबियाँ पहले ले आऊँ या खाना खाना है? पहले जलेबियाँ ही ले लें। अच्छा पहले जलेबियाँ लेके आओ। चले जी जलेबियाँ लेके आते हैं। तो मेरा बेटा कितनी जलेबियाँ खाएगा? जलेबियाँ का क्या खाएं? नहीं कितनी कितनी खा लोगे जलेबियाँ? 1 किलो 2 किलो 5 किलो कितनी खाओगे? 2 किलो कहा नहीं। 2 किलो इतनी बड़ी होती है, इतनी ज्यादा 2 किलो खा लूंगी। खा लेंगे। चले जी आ जाकर तो पता नहीं कितना दिल कर रहा है जलेबियाँ खाने को। मैं अपनी बेटी की फरमाइश पूरी करता हूँ, जलेबियाँ लेके आता हूँ। तो चले जी बहुत सारी बातें भी घर वालों से शेयर होगी, बहुत सारे जो दिल कर रहा था घर वालों से बातें शेयर करने का। और एक ने कहा है कि सुनहरा जो है ना वो बहुत अच्छी जो है वो कुकिंग भी बहुत अच्छी करती है और सिलाई कढ़ाई भी बहुत अच्छी करती है। उस आपी का भी मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ जिसने वीडियो पसंद की है। और बहुत सी बहनें इतनी अच्छी हैं कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा ना मसरूफ है, इतनी अच्छी वीडियो बना नहीं पा रहे जी। असल क्योंकि घर में साफ सफाई नहीं है, रगड़ाइयाँ सॉरी वो दीवारों पे रगड़ाई कर रहे हैं, रगड़ाई बोल रहे हैं और कलर हो रहा है इतना गंदा। हम इस बरामदे में दिन और रात इस बरामदे में गुजारते हैं क्योंकि उस तरफ बहुत गंद है। ये देखें आप बुजुर्ग को मैंने नहाई करके सुलाया, जब उठेगा ना तो 2-3 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद ये चीटा चीटा हो जाएगा। तो वहाँ से वो जो डस्ट पड़ी है ना उस पर ऐसे हाथ लगाता है ज़मीन पे, तो ऐसे ऐसे करके तो अपने लगा के तो आ जाता है, ठीक है ना? तो 2 मिनट में सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी बहुत सारी बातें होगी, फिर बैठ भाइयों ने फिर कहना है कि इतनी सारी बातें कर ली लेकिन जलेबियाँ जो है ना वो लेने नहीं गए। चले जी आप चलते हैं जलेबियाँ लेने के लिए। अदल बेटा मेरा पर्स लेके आओ। हैं नहीं शाम को नहीं, अभी अभी जाते हैं, अभी फिर मैं ट्यूशन से लेट हो जाता था। मेरा तो पर्स ना लेकर आना, मेरा तो पर्स शायद। अच्छा है, कोई पर्स अगर आपको मिले ना तो वो उठा के ले आओ, उसमें से पैसे निकाल ले। और जो है ना वो लीजर जा रही है छिपकली। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, जाने दो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं तो ज्यादा कहूँगा कि इसमें लगे पर्स उठा लो। मेरा पर्स तो मिल गया। अच्छा जाओ जाके लेके आओ। अच्छा जी ये जलेबी हमने यहाँ से आके परचेज़ की है, तो मैंने कहा कि बच्चे कह रहे थे कि हमने जलेबी खानी है तो यहाँ से जलेबी ले कर चलते हैं साथ। अभी उमार ने यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया, उमार साथ ही है। हाँ जी खुश हो? चलें जी। जी हम बाइक पे आए थे, यहाँ से जलेबी लेके अब वापस घर चलते हैं। हाँ जी शुरू करो। अच्छा जी जलेबियाँ लिया, तो जैसे निकाल दें
गर्मा गर्म करवा दी अंग मेरा क्या हाल है। हाँ जी धुप ना गर्म हो गई आगे भी अखबार इन खादी जानी मिठा मैं तो इन नहीं खा सकता है। दूसरी प्लेट लैके आओ ना भाइयों भी देिए जो काम कर रहे अभी मेरे पास ना कंपनी वाले जो है ना उनके एक स्टाफ का फोन आया तो उसने कहा कि भाई आपने कितने बैग परचेज़ किए और आप मुझे ना वो बिल सेंड करें वो पिक्चर सेंड करें। तो लड़की थी जो है ना स्टाफ मेंबर तो उसने मुझे कॉल की कि हम मैपल लीफ जो है ना एचडी पट्टी वाले तो कंपनी से बात कर रहे हैं तो हमें काइंडली आप बताएं। तो मैंने कहा कि ठीक है हमें कोई इतराज़ नहीं हम आपको जो है ना वो सेंड कर देते हैं। तो जी अभी ये सिंगल कोट जो है ना लग रहा है तो देख सकते हैं इसके अभी जो है ना काम जी ये हम एचडी पट्टी लगा रहे हैं इसके ऊपर पेंट होगा तो ये अभी इन पे जो है ना वो भाई फिलिंग कर रहा है मरम्मत कर रहा है तो अभी इस पे कलर होगा ये सारे रूम जो है ना ये क्लियर होंगे इंशाल्लाह। तो फिर हम अपने देखने वाले बहन भाइयों को जब ये कमरा फाइनल होगा तो फिर हम दिखाएंगे और जो दरवाजे हैं वो हम बाद में कलर करवाएंगे जब ये सफाई हो जाएगी मशीन। अच्छा ठीक है वो भाई लगवाना है जो पहले था ना जिसने ये रगड़ाई की उसका नंबर है आपके पास? हाँ उस भाई से ये काम करवाना है। ठीक है ना जी इस वक्त नमाज जुमा अदा करके हम आ गए हैं तो नमाज जुमा अदा की है तो हमारे पास जो है ना 2 बजे जुमा होता है तो इसी के साथ देखने वाले बहन भाइयों से इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना अल्लाह हाफिज़।